आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के क्वेश्चन मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटलेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400। तो इस क्वेश्चन में हमें तीन ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन दी हुई है, y1 y2 y3 है ना, और हमें कंपेयर करना है वेव स्पीड और मैक्सिमम ट्रांसवर स्पीड इन तीनों वेव के लिए। ठीक है, तो हम तीनों के लिए वेव स्पीड और मैक्सिमम ट्रांसवर स्पीड निकाल लेते हैं। तो फॉर y1 वेव स्पीड क्या हो जाती है, ओमेगा बाई के, है ना, तो ओमेगा के यहाँ 6/k3, तो 6/3 दैट इज 2, है ना, तो हमारी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, x किस में, x यूनिट क्या दी हुई है, यूनिट नहीं दी हुई, ठीक है, तो 2 यूनिट्स हमारी जो है वो इसकी स्पीड हो जाएगी, है ना, y1 की वेव स्पीड। अब मैक्सिमम पार्टिकल, मैक्सिमम ट्रांसवर स्पीड क्या होती है, ओमेगा ए, ओमेगा ए होती है, राइट, तो ओमेगा कितना है, 6 × a 2, तो ये हो गई 12, है ना। वाई टू के लिए निकाल लेते हैं, वाई टू के लिए क्या हो जाएगी, 12/4, दिस इज 3 यूनिट्स, और ये ओमेगा ए, ये ओमेगा ए कितना हो जाएगा हमारा, ओमेगा कितना है, 12 × 3, तो 12 × 3, तो ये कितना हो गया, 36, राइट। तो वाई थ्री के लिए क्या हो जाएगा, वाई थ्री के लिए हमारा 11/5, है ना, और ये हो जाएगा ओमेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ओमेगा ए हो जाएगा हमारा 94 × 11। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि जो मैक्सिमम ट्रांसवर्स स्पीड है वो वाई थ्री की सबसे ज़्यादा है ना। तो सारे ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या कह रहा है। ऑप्शन ए में बोला कि वेव वन हैज ग्रेटेस्ट वेव स्पीड, तो वेव वन की स्पीड कितनी है, 12, है ना, वेव स्पीड, सॉरी 2 यूनिट्स है वेव स्पीड वेव वन की, है ना, लेकिन मैक्सिमम तो वेव टू की है 3, है ना, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन बोला कि वेव टू हैज ग्रेटेस्ट स्पीड, ठीक है, ये बात हमारी, और बोला कि वेव वन हैज ग्रेटेस्ट मैक्सिमम ट्रांसवर्स स्पीड, तो ये बात हमारी गलत हो जाती है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया, है ना, तो सी ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है कि वेव टू हैज ग्रेटेस्ट वेव स्पीड एंड थर्ड हैज मैक्सिमम ट्रांसवर्स स्पीड, ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया।